सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। ग्रेजिया, इसका मतलब क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है ग्रेस। होंडा का मोस्ट अवेटेड स्कूटर, फ्लैगशिप स्कूटर, 125 सीसी सेगमेंट का है ये होंडा ग्रेजिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया, मैं हूं चंदन। जी हां, आज होंडा ग्रेजिया इंडिया में लॉन्च हुआ है। मैं पहले आपको इस स्कूटर के बारे में बताया था कि ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज ये स्कूटर लॉन्च हो गया है और ये बहुत जल्दी शोरूम में आने वाला है। शोरूम में आते ही मैं आपको डिटेल वॉकर एंड रिव्यू दिखाऊंगा। अगर आप होंडा का कोई भी स्कूटर खरीदने के लिए जा रहे थे तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए, होंडा ग्रेजिया को पहले देख लीजिए, टेस्ट राइड कर लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कौन सा स्कूटर लेना है, होंडा ग्रेजिया या फिर कोई और। होंडा डियो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो वैसे ही एक लुक्स, एक मोटर स्कूटर जैसा लुक्स, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर्स इस स्कूटर में है होंडा ग्रेजिया में। 2017 का बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम होंडा, होंडा ग्रेजिया। चलिए देखते हैं इसका कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। आपको मिलेगा फुल एलईडी हेडलैम्प के साथ। मैं पहले बहुत बार शिकायत किया है यह होंडा से कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है प्लीज डिजिटल कर दीजिए, लेकिन ये होंडा ग्रेजिया में फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलेगा विथ इको स्पीड इंडिकेटर। और ये होंडा ग्रेजिया आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों वेरिएंट में आपको मिलेगा। फ्रंट ग्लव बॉक्स विथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, काफी स्पोर्टी एंड स्प्लिट ग्रैब रेल के साथ होंडा ग्रेजिया आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 4-in-1 लॉक विथ सीट ओपनिंग स्विच, स्पेसियस 18 लीटर्स अंडर सीट स्टोरेज, अलॉय व्हील विथ ट्यूबलेस टायर, CBS विथ इक्वलाइजर, 125cc BS4 इंजिन विथ होंडा इको टेक्नोलॉजी, बहुत ही भरोसे वाला रिलायबल ये इंजिन आपको मिलेगा। तो यही था फीचर्स, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स होंडा ग्रेजिया के बारे में। अब देखते हैं इसका कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस। नाउ होंडा ग्रेजिया का टायर्स एंड व्हील्स, 5 स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील के साथ सामने रिम साइज आपको मिलेगा 12 इंचेस और पीछे रिम साइज मिलेगा आपको 10 इंचेस, ऑफ कोर्स ट्यूबलेस टायर। और जो व्हील बेस आपको मिलेगा 1260 mm। सस्पेंशन, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन आपको मिलेगा। नाउ द इंजिन, होंडा ग्रेजिया में आपको 124.9 cc 4 स्ट्रोक फैन कूल्ड SI इंजिन विथ HT होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलेगा। वेरी रिलायबल एंड वेरी ट्रस्टेबल होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन। और इस इंजन में जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 8.52 bhp एट द रेट 6500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 10.54 Nm एट द रेट 5000 rpm। और स्टार्टिंग मैकेनिज्म सेल्फ और किक आपको दोनों ही मिलेगा और मैक्सिमम स्पीड 85 km/h आपको मिल सकता है। ब्रेक्स, होंडा ग्रेजिया में आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों वेरिएंट में आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स विथ CBS टेक्नोलॉजी, मतलब होंडा पेटेंटेड जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है वो उसके साथ आपको ये ब्रेक मिलेगा। और ड्रम ब्रेक का जो साइज है ये है 130 mm और डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ जो वेरियंट है वो डिस्क ब्रेक का साइज आपको मिलेगा 190 mm। और ये होंडा ग्रेजिया में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 5.3 liters, सीट हाइट आपको मिलेगा 766 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm और कार्गो वेट स्कूटर का है 107 kg। 12 वोल्ट बैटरी के साथ फुल LED हेडलैम्प आपको होंडा ग्रेजिया में मिलेगा। और कलर ऑप्शन, होंडा ग्रेजिया आपको 6 कलर ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन एक बात जो होंडा अभी तक नहीं चेंज किया है वो मैं, मुझे बहुत ही कॉम्प्लेन है ये सिस्टम के बारे में, वो है फ्यूल फिलिंग सिस्टम। ये फिर भी अंडर सीट है, इसे बाहर होना चाहिए। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम होता तो अच्छा होता, क्योंकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 liters, तो फ्यूल फिलिंग सिस्टम मुझे पर्सनली जो पसंद है वो है बाहर, एक्सटर्नल चाहिए था, लेकिन होंडा ग्रेजिया में फिर भी नहीं है, ये अंडर सिटी है। उम्मीद है कि होंडा अगले स्कूटर में या अगले जो डिज़ाइन जो चेंज करेगा उसमें ये फ्यूल फिलिंग सिस्टम एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, लेकिन होंडा ग्रेजिया में फिर भी अंडर सीट है। ये एक
मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यही था होंडा ग्रेजिया, आज ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता क्या है तो अभी तक पता नहीं, लेकिन दिल्ली में एक शोरूम प्राइस आपको जो मिलेगा नियर अबाउट 57,897 रुपीज में आपको मिलेगा। ये एक शोरूम प्राइस इन दिल्ली है, लेकिन बाकी प्राइस ऑन रोड प्राइस क्या होगा ये तो शोरूम में आते ही मुझे पता चलेगा। बहुत जल्दी ये शोरूम में आने वाला है होंडा ग्रेजिया, और शोरूम में आते ही मैं आपको बहुत जल्दी इसका डिटेल वॉक एंड रिव्यू करके दिखाऊंगा कि ये स्कूटर सामने से कैसा है, क्या फीचर्स है, क्या सब कुछ और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल किया है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। होंडा ग्रेजिया में बहुत सारे नया फीचर्स है, ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, मुझे ये स्कूटर पसंद है पर्सनली। लेकिन वो फ्यूल फीलिंग सिस्टम मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, वो अंडर सीट ना होता तो अच्छा होता, लेकिन क्या करें, ठीक है, देखते हैं, वेट कर लीजिए थोड़े दिन और शोरूम में आते ही मैं इसका डिटेल वॉक आउट करूँगा। तो तब तक के लिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल राइट नाउ। कैसे करना है आप तो जानते ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए, और राइड करते वक्त अपना हेलमेट ज़रूर पहन लिया कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी मुलाकात होंगे फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।